मैं 2005 में जब मैं मदरसे जाने लगा तो बट साहब ने मुझसे पूछा, मैंने कहा डैडी मैंने जो ना आलिम बनना है, तो एक कारोबारी ताजर बाप का एक टिपिकल सवाल, पुत्र पैसे कितने हैं मेरे? मैं क्या डैड दीन पढ़ाने पैसे कौन लेगा, ये तो खिदमत है। तो फिर तू जकाता ही खटियां करनी है ना अपने इदारे चलाने वास्ते, जकात खोर बनेगा तू, ताजरा का बेटा है तो जकाता मंगेगा हम जाके लोगों को। तो सर जी बड़े बड़े कामों के लिए बड़े बड़े नोट नहीं, बड़ा बड़ा दिल चाहिए होता है इंसान को, ऐसे ऐसे लोग। और बंदा जब बड़ी तगड़ी फैमिली से हो ना फिर तो बड़ा दिल चाहिए होता है अगलों के आगे हल्का होने के लिए। सर आप आ जाएं इदारे का विजिट कर लें, देखें हमारी तंजीम क्या काम कर रही है, लोग आएंगे ये मिजाज ये तजलील अपने नफ्स की, बार बार फोन किया जा रहा है जी हमारे प्रोटोकॉल देने में कोई इज्जत की कमी तो नहीं रहेगी, मुश्किल काम है भजन के, शैतान भी चारों कोनों से आएगा हिम्मत तोड़ने के लिए। यार क्या खिदमत, सबसे प्यारा जुमला ये कौम नहीं सही हो सकती, ये भी आएगा आपके दिल, कोई ताइद नहीं मिलेगी। दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन जुमले पता है क्या है, हमारे पंजाबी में ही है, बूथी देखी तो अपनी, ऐसा जबरदस्त जुमला है हमारा, गोली से कत्ल करने के बजाय ये जुमले मार दे हमारे लोगों के, बूथी देखिए तो गोरे ने ना बड़ा कल्चर्ड जुमला बनाया आगे से, इफ यू आर पॉइंटिंग वन फिंगर एट समवन, अगर तू एक उंगली की तंकीद कर रहा है किसी पर, देयर आर थ्री फिंगर्स पॉइंटिंग एट, साढ़े वाले ना फिर चार करके क्या, फिर बूथी देख जाके अपनी बूथियां देख, बड़ा वड्डा है काम करने वाला, वड्डा है वेलफेयर वर्कर। सलाम है उन नाकिदीन पर, सलाम है उन हासिदीन पर, सलाम है उन हाकिदीन पर जिन्होंने हमारी तकलील और तकफीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सलाम है उनके। तो जिंदगी में अगर ये नाकेद नहीं होंगे तो जीने का मजा क्या है, ये जिंदगी में ये जजमेंट पास करने वाले नहीं होंगे तो जिंदगी का मजा क्या है। लेकिन मेरे भाई बड़ी बात है कि आप आ गए मैदान में, लेकिन दो चीजें समझा के जाऊंगा, लफाजियां करना तो बहुत आसान है, हमारे लोग आ जाते हैं काम शुरू कर लेते हैं, सिस्टम्स बना लेते हैं, फैक्ट्रियां खोल लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बना लेते हैं, बिजनेसेस कर लेते हैं, जमाते तश्कील दे लेते हैं, मंशूर बना लेते हैं, लेकिन उन्हें दो चीजों में मार पड़ती है असल, ये है वो मोती जो गुजरांवाला की जमीन के ऊपर आज आपको रकम करके जाऊंगा, दो चीजों से। अभी पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी ने मुझे बुलाया था, पीएमए ने, फौजियों से बढ़ के तो कोई चीज ही नहीं है, वहां भी मैंने यही दो बुनियादें रखी, मैंने कहा भजन मुल्क बर्बाद हो रहा है। अभी एक बच्चे ने माशाल्लाह लेक्चर से पहले थोड़ी मेरे साथ बहस की है, अच्छा अच्छी बहस की है, ये दो ही वजूहत हैं जहां से एक बड़ा लीडर समझ सकता है कि मैं मार कहां से खा। बच्चे कह कहाई में नहीं है, यही दो मसले, बीवियां कंट्रोल में नहीं है, यही दो मसले, माँ बाप को बात समझाई नहीं जा रही, यही दो मसले, शरीका आपका कंट्रोल नहीं हो पा रहा, फैमिली नहीं आपके कहा, दो ही मसले, मुल्क में बदमनी है, यही दो मसले, मुल्क के अंदर नाइंसाफी है, दो मसले, सूबा दूसरे सूबे से टक्कर में गलत जा, हर मसले के अंदर, इसलिए तो कहते हैं इमाम इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अल फसाद नौआन, करप्शन की बातें करने वालों को हम बताते हैं हमारे बड़ों ने कितनी करप्शन पे बात किया, वो भी अरबी उलमा जो थे। दो किस्म के फसाद हैं, दो किस्म की करप्शन है सिस्टम्स के, अल फसाद फिल इल्म और अल फसाद फिल निया, या तो इल्म फासिद हो गया, इसका इल्म ही फासिद हो गया बंदे का, घर नहीं चल रहा, लोग नहीं आ रहे, महफिल गर्म नहीं हो रही, सपोर्ट नहीं आ रही, पैसा नहीं आ रहा, दुश्मन दोस्त सज्जन नहीं बन रहे, सज्जन बाजू नहीं बन रहे, टीम इंसान की बच्ची नहीं बन रही, एक को पकड़ते हैं वो भाग जाता है, दूसरे को संभालते हैं वो निकल जाता है, खुद का मन बैलेंस नहीं हो रहा, उम्मीद पकड़ो खौफ निकल जाए, खौफ पकड़ो उम्मीद निकल जाए, अल ईमान बैन अल हुब्ब व रिजाब, अल खौफ कर रहे हो मोहब्बत दम तोड़ दे, मोहब्बत संभालने ही जा रहे थे शक अपने घोड़े लेके आ गया, शक संभालने के लिए जा रहे थे तो वहां से शहवात और डिजायर आ गए, ये सारी नफ्सियाती मसाइल को डील ही कर रहे थे, इतने में जो है वो गुस्सा आ गया, गुस्से के टैंक को ठंडा करा रहे थे, गुस्से के टैंक को ठंडा करा रहे थे तो वहां से मोहब्बत आ गई, मोहब्बत आई साथ में माजी ले आई, माजी को राम कर ही रहे थे कि मुस्तकबिल का खौफ आ गया, खौफ के घोड़ों पे शह सवारी करना शुरू ही कर रहे थे, वहां से भुगत आ गया, भुगत संभाल ही रहे थे तो कीना आ गया, कीना पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो तजस्सुस आ गया, तो ये सारी चीजें मार देंगी, इन सबको लगाम दे ही रहा था, उनका मैसेज आ गया उनके मैसेज को अभी जवाब दे ही रहे थे, यारों ने तीर चला दिए, उस महाज पर अभी संभाल ही रहे थे, वो उधर से जंग का ऐलान हो गया, उनके साथ अफामो तफीम कर रहे थे, उन्होंने खत भेज दिया आगे से, जिंदगी जीने का मजा कुएं से बाहर, इन्हीं चीजों का नाम है संभालना, लीडर इज वन हु बैक हु, ये संभालता है उन चीजों को, इल्म नहीं होगा नहीं संभाल सकते, इल्म नहीं होगा नहीं संभाल सकते। किसी ने पूछा हमसे शेख साहब क्या डेफिनेशन है इल्म की आपके, वाज़ोशय अलमौदेही, putting the right thing at the right place and the wrong thing at the right place, sahi cheez ko sahi mahal pe rakhna aur galat cheez ko sahi mahal pe rakhna, ye hai ilm, aur ye bakery ki dukan mein nahi milta, wahan bhi mil jayega jo kaam kar raha hoga agar wo nazar aur wo tasalsul ho lene ka, ye to bade bade fun ke mahireen maidanon ke shah sawaron ki jootiyan lota utha ke milta hai insaan ko।
ऐसे थोड़ी मिल सकता है। तीन करना था चार कर दिया, दो करना था एक कर दिया। नबी सल्लम, मेरा नबी अलैहि सलातो वसलम, कितना अगर हर चीज ही माँ बाप और फैमिली की पसंद पे लेके चले जाएंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, जो आपकी पसंद की चीज नहीं है वो आ गई तो फिर मसला हो जाएगा। और अगर आप अपनी ही पसंद के पीछे पूरा लग जाएंगे और पूरी दुनिया को बर्बाद करके अपनी पसंद पूरी करेंगे तो एंड में आपको सपोर्ट कुछ नहीं मिलेगा। तो बीच की राह, कुरान में कहता वक्त की बेना जाले का सबीरा, बीच का रास्ता, या तो मिडिल उम्मा या दी उम्मा ऑफ द मिडिल स्टैंड, सो गो थ्रू द मिडिल। आपने वो प्रोफेशन जो माँ बाप को समझ नहीं आ रहा अगर लेना है ना, तो मेरी टिप्स उस पर ये है, मुंह बंद, टेप बंद, प्रोफेशन कन्विंस कराना बंद करें जी ये बड़ा अच्छा है, इसमें पैसे बड़े अच्छे मिलेंगे, नंबर और भाजन वो 40 वो 50 60 उम्र के और मारे खा के पहुंचेंगे। ये आज के जो जवान जो बैठे होते ना समझाने के लिए, यू नो मॉम आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स, और भाई उन्होंने समझ नहीं आनी गलती, ही विल नॉट अंडरस्टैंड इट। क्या करें, खामोशी से जितने अरसे तक ताने पड़ते रहे सुनते रहे, जितने अरसे तक इनसिक्योरिटी मिले सुनते रहे, जितने अरसे तक फैमिली के अंदर आपको कबूलियत नहीं मिले बर्दाश्त करें खामोश। जब रिजल्ट आएगा, पैसे आएंगे, तारीफ आएगी और लोगों के मुंह से आएगी ना यार तेरा पुत्र तो बड़ा काम करता पे, वो खुद ही कन्विंस हो जाए। तो मेरा पहला टिप ये है, स्टॉप कन्विंसिंग योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना बंद करें, उनको रिजल्ट ला के दिखाएं। जनरेशन गैप और जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको बातें नहीं समझ में आती, क्योंकि उन्होंने 60s 70s में अपनी मारे खाई होती, आप नहीं समझ सकते उस दौर के हालात क्या थे, वो उनके अंदर डर भी होता है, उनके अपने हालात थे जिस तरह वो पहुंचे हैं यहाँ। तो क्या करें, खामोशी से काम करें वो कर। दूसरा, आप चाहते हैं कि पेरेंट्स की सपोर्ट भी मिले, पैसा भी मिले और वो भी हो और वो भी हो, तो भाईजान फिर आप ये याद रखें, फिर आपने वो प्रोफेशन लेना जिसके अंदर आपको उनकी कन्वीनियंस भी रखनी पड़ेगी। माँ बाप से पैसा भी लेना है, फीस भी लेनी है और फिर उनकी मकसद की चीजें लेनी, फिर आपको समझाने के लिए खुद ना है। सेकंड बड़ी टिप, माँ बाप को कभी खुद नहीं समझाते, माँ बाप को एक और माँ बाप के थ्रू समझाते हैं, गेट सम अदर पेरेंट्स या सीनियर पीपल जो आके उन्हें समझाएं तो वो कन्विंस हो जाएंगे। तीसरी बात, माँ बाप क्यों नहीं बच्चों की बात सुनते, मैं आपको सीधा रीजन बताऊँ बेटा, क्योंकि जब तू इस दुनिया में आया था ना तू बगैर कपड़ों के था, उन्होंने तुझे उस नंगी हालत से लेके ना 24 साल की उम्र में सारे भंड मारते हुए रोज देखा। दे हैव सीन यू मेक एरर्स एवरी डे, दे नो यू वेरी वेल। कहते हैं ना हमारे वाले साहब तो कहते थे, और नॉर्मली बेटे का बाप को जरूर पता होता है, बेटे को बाप का पता हो ना, लेकिन बाप को जरूर पता मेरी कौन सी नजर किस टाइप की। तो बेटा उन्होंने आपको 20-22 साल से ना हर चीज सुबह शाम करते हुए देखा, अचानक जब आप अपने उस बेढंगेपन, बदतमीजपन, इमेच्योरपन, इनडिसिप्लिनपन, ना सुबह टाइम पे उठना, ना खाने का ख्याल रखना, ना आने जाने की तमीज, ना कपड़ों का ढंग, जब इसके बीच में आपके कहते ना यू नो मॉम यू नो डैड आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग लाइक दिस, उन्हें नहीं समझ में आएगा भजन। तो अपने ड्रीम समझाने के लिए ड्रीम बिल्डर्स लेके आते हैं जो उन्हें कन्विंस करें। हर चीज हर किसी को खुद कन्विंस करने की नहीं होती। दूसरी बात है, आखिरी ऑप्शन लेके अगर अपने रास्ते पे जाना है तो भाईजान फिर फेलियर भी आपका, बर्बादी भी आपकी, टेंशन भी आपकी, स्ट्रेस भी आपका, रोना नहीं, पैकेज का पैकेज था। चल गए तो वो आपको जरूर एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं चले तो याद रखिएगा बाप के पैर के नीचे की जो मिट्टी है ना पड़ेगी जरूर आपके सर के, फैसला आपका। यस वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ एज अ लीडर, हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ, विजन, विजन की बड़ाई होती है जो इंसान को खड़ा रखती है। तीर चल रहे होंगे सीने के ऊपर, छल्ली होंगे, मैंने आपको आज बताया ना सबर ही सबर, सबर करते करते सबर थक जाएगा आगे से। क्या चीज का है, मुझे पूछा ना किसी ने जिंदगी के अंदर एक दफा, शेख आपके साथ इतने मसाइल होने लगे, आप जो बातें करते हैं कितना, पूरा पाकिस्तान पाकिस्तान से बाहर, आप तो इंटरनेशनल दुनिया बोलती है, बातें कहां से लेके आते, लमे तो वो होते हैं, लमे तो वो होते हैं, कहां से आती है बातें। अब भाई कलेजा फटा हुआ अंदर से, कलेजा जला हुआ अंदर से, मारे खाई है, कन्वीनियंस जोन छोड़े, कंफर्ट जोन छोड़े, हिजरे देखिए, टेंशन ली है, जंगे ली है अपने आप से, अपने आप से जंगे लेते रहे ना सारी जिंदगी। तो वो क्या चीज, एक ने मुझसे पूछा आगे मेरे इदारे में एक दफा बैठा था, व्हाट केप्ट यू गोइंग शेख, आई टोल्ड देम इट वाज द ग्रैंडियोसिटी ऑफ माय विजन, मेरी मंजिल की बड़ाई इतनी आगे थी, अल्लाह इतना बड़ा था कि मेरी जात बहुत छोटी थी, उसके लगी मुझे बहुत हर्ट, मुझे बहुत होता था, बट आई यूज्ड टू से यार अल्लाह बड़ा है मैं बड़ा नहीं। और जब आप ये सोच के फील्ड में आ रहे होते ना कि यार व्हाटएवर आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू द सिस्टम, मेरी जात का तो बात ही नहीं है, एक माँ का लाल जाया हो रहा है ना, एक माँ का लाल शहीद हो रहा है, होने दे, अगर मेरे जैसे एक माँ का लाल भी अगर इस दुनिया में अपनी जिंदगी 100% एग्जर्ट करके कोई 1% भी कुछ मैनिफेस्ट कर गया दीन के नाम पर रिवाइव करने के अंदर, कितना ये तो उम्मत को कितना फायदा हो जाएगा, मेरे पेरेंट्स को कितना आखिरत में फखर होगा, मैं उनकी कब्र की ठंडक हूँ, मैं कितने सुकून से मरूंगा कि यार मैंने मेरी सीने के अंदर से रोशनियों ने कितनी दुनिया को जला। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह बड़ा था, अल्लाह मुझसे जब पूछेगा कयामत के दिन क्या करके आया, मैं बोलूंगा अल्लाह पहाड़ तो बन नहीं सका, कील बना, जब तेरे दुश्मनों ने मेरे पे पैर रखा दबा के चुपा मैं, हिला के आया मैं सबको, अगरचे आदमी बहुत कमजोर था, ये मैं कर सका। ये मुझे किसी ने जवाब दिया, देख देखा मैंने उससे पूछा क्यों कर रहे हैं आप ये काम, क्यों कर रहे हैं आप ये काम, दुश्मन तो इतना बड़ा है कैसे जीतेंगे। उसने बोला साजी या शेख बोला या आते भाई बोला, पता नहीं मुझे नहीं याद, उसने बोला मर तो हमने जाना है आते भाई, लेकिन जब वो पैर रखे ना मैं छोटी सी कील बनना चाहता हूँ मुसलमानों के लिए,
जब वो पैर रखे ना तो उसे पता चले कि किसी किला तो मेरा। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारे YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकअल्लाहु खैर।